सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे और किसी भी नाप का एक लाइन खींचेंगे, किसी भी नाप की। देखो हम किसी भी नाप की एक लाइन खींच ली है, रेखा, और इसका नाम लिख लिया ए और यहाँ पे बी। इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक्स वाई का था, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब मान लिया आपको ए पॉइंट पे क्या बनाना है, कोण बनाना, ठीक ना। ये प्रकार लिया, इसमें चौक लगा ली और पॉइंट ए पे यहाँ रखेंगे, ठीक। अब उसके बाद एक चाप मारेंगे किसी भी नाप का, ये पॉइंट से मिलना नहीं चाहिए। ये चाप मार लिया, ये अर्धवृत्त बन गया ना। फिर जब ये अर्धवृत्त जहाँ पे इस लाइन को रेखा को काटा है, यहाँ से एक और चाप मारें, ये कितने अंश का हो गया, फिर यहाँ से एक और चाप मारेंगे 120 अंश का, इसको हम मिला लेंगे। देखो इसको मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तक, कितने अंश का हुआ, यहाँ से मिला लेंगे, ये बन गया 120 अंश का, ठीक ना। ये है चांदा, चांदे को ऐसे रखेंगे बीचों बीच, और देखिए ये 60 अंश का है और ये है 120 अंश का, ठीक ना। ये 60 अंश का, ये 120 अंश का। अब हमको 90 अंश का बनाना, देखिए यहाँ से 10, 20, 30 और इधर से भी 10, 20, 30, यानी बीचों बीच में 90 अंश का कोण है। तो हम क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित करेंगे, क्या करेंगे, समद्विभाजित। तो देखिए यहाँ रखें जहाँ पे 60 अंश का कोण बना था, और यहाँ से एक चाप लेंगे आधी से अधिक दूरी लेके, और फिर एक चाप लेंगे यहाँ से यहाँ का, ये हो गया हमारा 90 अंश का कोण, और इस रेखा को हम मिला देंगे, ठीक ना। ऐसे करके यहाँ पे ये हो गया 90 अंश का कोण, ठीक ना। तो ऐसे हम क्या क्या सीख लिए, 60 अंश का, 120 अंश का और 90 अंश का। फिर से एक बार सिखा रहे हैं, पास से देखो, एक स्केल लेंगे, किसी भी नाप की एक रेखा खींचेंगे, ठीक ना। ऐसे हमने खींच दिया किसी भी नाप की रेखा, इसका इस पॉइंट का नाम ए रख दिया और इसका बी, ठीक। अब प्रकार में चौक डाल लिए और ए पॉइंट से हम एक चाप किसी भी नाप का एक चाप लगाएंगे, ठीक। फिर जहां पे ये चाप अर्धवृत्त टाइप का बन गया ना, ये चाप इस रेखा को काट रहा है, वहां से एक और चाप मारेंगे, ये कितने अंश का कोण हो गया, 60। फिर जहां पे ये काटा है इस चाप को, एक और कट लगाएंगे 120। और अब हम इन दोनों रेखाओं को जो कटान बिंदु है उसको मिला देंगे, ठीक। इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे, ठीक। ये कितने अंश का हो गया, 60 अंश का। और इस कटान बिंदु और इसको मिला देंगे, कितने अंश का हो गया, 120। अब देखो 90 अंश का कोण इन दोनों के बीच में होगा, इसको समझने के लिए हम चांदे को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ रखिए, ठीक ना। ये 60 अंश का हो गया, ये 120 अंश का। ध्यान दो आप, यहाँ से देखो 120 से 10, 120 से 10, 20, यहाँ पे 90 अंश आ रहा है ना, और इधर से भी 10, 20, 30, इधर से भी 10, 20, 30, यानी कि हम अगर 60 और 120 के एकदम बीचों बीच है, और इसको जब हम समद्विभाजित करेंगे तो हमको 90 अंश का कोण मिल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे, आधे से अधिक का चाप लिया और यहाँ पे कट लगाया बीचों बीच, ये समद्विभाजित हो गया। अब इसको हम मिलाएंगे तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा।